सेक्शन कौन सा अच्छा था? लिटरेचर सेक्शन अच्छा। तो कैसा गया आपका एग्जाम आज का? एग्जाम बहुत अच्छा गया, मुझे लगता है मेरे 70 आएंगे मार्क्स। हाँ, और सेक्शन सबसे अच्छा कौन सा लगा? सेक्शन मुझे लगा कहते हैं लिटरेचर सेक्शन अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत इजी क्वेश्चन आया उसमें। हाँ, तो एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मतलब काफी इजी आया था, बट हाँ लेंथी भी था थोड़ा बहुत। हाँ, 15 मिनट पहले हो गया था इंग्लिश का एग्जाम। ये सेक्शन सेक्शन कौन सा अच्छा था? लिटरेचर सेक्शन मुझे पूरा आता था, मेरा पूरा सही गया। एग्जाम कैसा, कंफ्यूजिंग लगा क्या? हाँ, ग्रामर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग थी, मतलब दोनों दो दो ऑप्शन लग रहे थे, बट हाँ देखते हैं कितना आता है। हाँ बताओ कैसा गया आज का एग्जाम? आज का एग्जाम बहुत बढ़िया गया, 80 में 80 अटेम्प्ट मारा भाई, हिंदी में नहीं पढ़ पा रहा, इसमें पढ़ गया था, देखा ही होगा जोकर बन गया था हिंदी में तो। आरुष आपका कैसा गया? एग्जाम ठीक ठाक गया था, सबसे पहले मैंने लिटरेचर से स्टार्ट करा था। हाँ, फिर मैंने ग्रामर करी थी, फिर राइटिंग सेक्शन करा था। हाँ, तो सेक्शन सबसे बढ़िया कौन सा लगा? प्यारा सेक्शन लिटरेचर आया था, क्योंकि सब पढ़ा हुआ आया था। हाँ ठीक है, सेक्शन सी। हाँ, और वंश आपको कौन सा लगा सबसे बढ़िया? तो आरुष उसमें ना पोएम्स पूछी गई, पोएम्स हमने पढ़ी नहीं, ज्यादा नहीं, एक ही थी पढ़ी हुई। हाँ तो था ना एक्सपेक्ट बेस्ड था। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम मार्क्स कितने आएंगे? एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं कर रहे, तभी खुशी मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 78 तो आ ही जाएंगे। पर कैसा गया आपका? मेरा पेपर बहुत कंफ्यूजिंग था, मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे मैंने करी बहुत अच्छा गया था, एकदम फ्लुएंटली लिख रहा था मैं, पर जैसे ही मैं लास्ट पे गया तो लास्ट में मेरे लिए और कंफ्यूजिंग होता गया, क्योंकि टाइम बचा नहीं था, आखिरी के 10 मिनट थे, तो मैंने लास्ट आंसर अटेम्प्ट किया और उसमें भी थोड़ा बहुत छूट गया लास्ट का। और कौन सा एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाला या फिर वो वाला लॉन्ग में? लॉन्ग आंसर्स जो थे लास्ट में वो छूट गया था मेरा। और उसके बाद फेवरेट सेक्शन मेरा था सेक्शन सी लिटरेचर का, आसान था पर छूट गया, बहुत सब कुछ आता था उसमें पर छूट गया मेरा काफी सारा। 78 तो आ ही जाएंगे।